है hey गाई कैसे आपसे आप आई होप यू आर डूइंग वेल एम संदीप वेलकम टू जी एस सी सर्कल तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज ठीक है और ये विजन की टेस्ट सीरीज है मेंस की जो चल रही है यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए ठीक है इसके हम लोगों ने ये टेस्ट नंबर फाइव है ठीक है फाइव का सेकेंड दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे ये थर्ड पार्ट बचा हुआ था जिसमें जो है हम छः क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे जो पंद्रह नंबर से हैं ठीक है तो इसमें है जहाँ भारत में पत्तन आधारित विकास के कई लाभ हैं वहीं इसके मार्ग में कई अवरोध भी हैं तो इन पर चर्चाएँ कीजिए तो इनके कौन कौन से हमको लाभ है जो विमान पत्तन है यानी बंदरगाह जो होते हैं ठीक है ठीके? उनके विकास के लिए कौन कौन से विकास में लाभ होते हैं और कौन उनके अवरोध में है ठीक है उनके बारे में बात करना है तो हमको देखो पत्तन आधारित विकास की संकल्पना क्या है ठीक है और इसके लिए भारत में कौन कौन सी संभावनाएं हैं इसकी उसके बारे में हमको जो है चर्चा करनी है ठीक है थोड़ी थोड़ी चर्चा हमको करते हुए जो है ब्रीफ़ में डिस्कशन कर लेना है अच्छे से ठीक है और आधारित मतलब भारत में विमान पत्तन आधारित विकास के लाभों की सूची बनाइए ठीक है थीके? तो उसको थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें कौन-कौन सी मतलब बाधाएं उत्पन्न होती हैं विकास में ठीक है तो इनको भी हमको समझाते हुए निष्कर्ष लिख देना है ठीक है तो इसमें देखो पतन आधारित विकास किसी क्षेत्र के विकास के साथ ही अंततः राष्ट्र का एक ऐसा आर्थिक विकास होता है जो मुख्यतः पतनों की अवसंरचना पर आधारित होता है भारत में 7000 पाँच सौ किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा है ठीक है तो और चौदह हजार पाँच सौ किलोमीटर यह आपको देखने को मिलेगा इसमें इसमें देखो चौदह हजार पाँच सौ किलोमीटर लंबा एक संभावित नौकागम्य जलमार्ग है ठीक है तो भारत की अः बयालीस प्रतिशत जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में निवास करती है इसके अतिरिक्त प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर भारत की रणनीतिक अवस्थिति पत्तन आधारित विकास के लिए विश्वसनीय क्षमता प्रदान करती है तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ मतलब इतनी सात हज़ार पाँच सौ किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा हो गई और चौदह हजार पाँच सौ किलोमीटर लंबा जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग है ठीक है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो नौका गम्य जलमार्ग की संभावना है ठीक है तो इसके लाभ कौन कौन से हो सकते हैं तो इसके लाभ की अगर हम बात करें तो भारत में निर्यात आयात की कुल मात्रा के 90 प्रतिशत भाग का संचालन पत्तनों द्वारा किया जाता है किंतु तो सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में के जी में रेलवे और डाक क्षेत्र का छः छ मतलब रेलवे का नौ और सड़क क्षेत्र का छः परसेंट में योगदान है ठीक है तो देख रहे हो कितना ह्यूज मात्रा में नाइन्टी परसेंट जो है हम निर्यात आयात निर्यात वस्तुओं के लिए केवल और केवल आ, इसको हम यूज करते हैं बंदरगाहों का यूज करते हैं ठीक है उनके द्वारा जो विकास किया जाता है तो इसकी तुलना में अगर योगदान की बात करें तो एक परसेंट रेलवे और ये सड़क का क्षेत्र का योगदान इसमें देखने को मिलता है अतः इसमें वृद्धि की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है, है पतन आधारित विकास लॉजिस्टिक लागत की कमी आएगी ठीक है और इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी ठीक है नेक्स्ट हमारा सागरमाला जो ये सागरमाला परियोजना के तहत तो प्रतिवर्ष चालीस हज़ार करोड़ रुपए तक की लॉजिस्टिक लागत की बचत होने और व्यापार निर्यात को प्रोत्साहन मिलने तथा तो एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने में सृजित होने का अनुमान है तो देख रहे हो चालीस हज़ार करोड़ हमको लॉजिस्टिक लागत की बचत होती है और एक करोड़ रोजगार प्राप्त होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है ठीक है और समुद्री क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र की अगर बात करें मतलब हिंटरलैंड के मध्य वस्तुओं के आवागमन की सुविधा प्रदान कर या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा ठीक है जिस देश के भीतर और विश्व के अन्य क्षेत्रों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा प्राप्त होता है ठीक है सड़कों और रेलवे जलमार्गों जैसी अवसर में सुधार में सहायक होने के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा ठीक है और कोल्ड चैन और वेयर हाउस तटीय आर्थिक क्षेत्र जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन होते हैं ठीक है थीके? उनका और डाई जो ड्राई पोर्टो आदि के रूप में अन्य अवसंरचनात्मक विकास गतिविधियों को गति प्राप्त होगी तो ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है ठीक है और ये जो हमारा पत्तन आधारित विकास के एकीकरण के लिए एकीकरण के साथ स्मार्ट शहरों यानी एकीकृत कस्बों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है ठीक है तो ये तो हमारे लाभ हो गए जो हमको विकास जो पतन विकास से होने वाले हैं ठीक है यानी बंदरगाह के विकास से होने वाले हैं उनके मार्गों से अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मतलब अवरोध हैं जिनसे हमको जो है इनका सामना करना पड़ता है जिससे ये पूरी तरह से अब भी विकसित नहीं हो पाया है तो इसमें अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर अनुरूप वैश्विक वैश्विक स्तर के अनुरूप होने के कारण भारत में घरेलू अवसरचना विशाल अवरोध उत्पन्न करती है साथ ही यह हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को भी बाधित करती इसे सामग्री संसाधन का जो सुगमता से संग्रहण बाधित होता है ठीक है तो पहला तो ये हो गया सेकेंड है हमारा जैसे समयबद्ध तरीके से निवेश प्राप्ति और पर्याप्त बजटीय सहायता का आवंटन और उपलब्ध एक मुद्दा बना हुआ है ठीक है तो ये भी एक हमारे लिए निवेश की प्राप्ति भी एक मतलब आ, समस्या है जो उनको पूरा बजट नहीं प्राप्त होता है थर्ड है हमारा कि पर्यावरणीय स्वीकृति भूमि अधिग्रहण पतन विकास से प्रभावित जनसंख्या के उचित पुनर्वास से संबंधित मुद्दे भी हैं तो ये भी हमारे लिए एक मतलब इसको हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत ह्यूज मात्रा में लोगों को वहाँ से हटाना पड़ जाता है ठीक है जहाँ हम इसका विकास करते हैं और जल मार्गों के विकास की गति के आलोक में जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की एक समस्या बना हुआ है ठीक है और वैश्विक स्पर्धा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय रानी उद्योग के सक्षम विद्यमान चुनौतियां भी प्रमुख अवरोध हैं इसके अतिरिक्त आप इसके अतिरिक्त पर्याप्त और कुशल मानव संसाधन की हमको जो है उपलब्धता का अभाव होता है तो ये भी एक हमारा मुद्दा है ठीक है तो हमारे यहाँ कुशल श्रमिक नहीं है तो इसके लिए भी ये मतलब उसका सामना करना, करना पड़ता है इसको उसकी बाधा का तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन देश चीन उन देशों में से एक है दक्षिण पूर्व एशियाई देश और चीन उन देशों में से एक हैं जहाँ पत्तन आधारित विकास के सफल मॉडल विद्यमान है ठीक है तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला मतलब आपको जो कंट्री देखने को मिलेंगे थाईलैंड है मलेशिया है सिंगापुर है इंडोनेशिया है तो इनकी बात की जा रही है ठीक है और उसके साथ साथ चाइना तो भारत के लिए पत्तन आधारित विकास को प्राप्त करने हेतु तो निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पी, -पी, -पी मॉडल का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण के मानकीकरण टेरिफ मापदंडों के युक्ति करण तथा शासन एवं नीति निर्माण में पारदर्शिता की भी आवश्यकता है ठीक है तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंक्लूसिव ग्रोथ ठीक है और समावेशी विकास से प्राप्त करने वाली आ, प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिए और इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है तो ये हमको मतलब सस्टेनेबल जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ है इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है ठीके? और क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं तो उनके बारे में हमको डिस्कस करना है और उन चैलेंजेस का कैसे समाधान किया जा सकता है ठीक है तो उनको एड्रेस करना है तो हमारा देखो समावेशी विकास का अर्थ जो है हमको पूरा थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना है ठीक है यानी ब्रीफ में डिस्कस करना है उसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं और चुनौतियों के समाधान में उठाए जाने वाले कदम कौन से हो सकते हैं ठीक है थीके? तो उनको हमको हमको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेना है ठीक है तो हर चीज़ को हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को एक विकास प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया था जो व्यापक लाभ प्रदान करती है और सभी के लिए अवसर की समानता को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि ये मतलब हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ है ठीक है इसके तहत समाज समतावादी विकास अथवा समाज सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ठीक है यानी सभी को मतलब सभी को विकास का जो विकास हो रहा है उसका लाभ हो यू के अनुसार समावेशी विकास एक परिणात्मक एवं प्रक्रिया दोनों है ठीक है और एक ओर यह विकास प्रक्रिया में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करता है दूसरी ओर यह लाभ के समान रूप से साझाकरण पर बल देता है तो यूएनडीपी ने भी ये कहा है कि मतलब जो विकास हो रहा है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए ठीक है और विकास में जो मतलब लाभ है उसमें भी सबका अनुपातिक मतलब साझाकरण होना चाहिए कि सबको उसको लाभ भी मिलना चाहिए हालांकि भारत सरकार ने समावेशी विकास को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न पहले आ, पहले जैसे कि जनधन योजना सौभाग्य योजना मनरेगा सर्व शिक्षा अभियान आदि का आरंभ किया आरंभ की है तथापि इस संदर्भ में भारत को अभी वांछित महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं भारत में समावेशी विकास करने में आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसमें तो देखो इसमें निर्धनता एवं बेरोजगारी तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भारत की लगभग बाईस जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है ये जड़गन्ना दो हज़ार ग्यारह का आंकड़ा है ठीक है तो साथ ही बेरोज़गार की अगर दर विगत पैंतालीस वर्षों की तुलना में अपने उच्चतम स्तर पर रही है एन एस एस ओ डेटा के अनुसार बताया जा रहा है ठीक है और अब तो उससे भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि जो कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब गई है ठीक है तो ये और हम इसमें ऐड कर सकते हैं ये जो कोविड नाइन्टीन वाला है पर पहुंच गई है ठीक है इसके अतिरिक्त अब सृजित किए गए रोजगारों की गुणवत्ता निम्न है और ये मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रों में ही सृजित हुए हैं तो औपचारिक क्षेत्र मतलब जो सरकारी क्षेत्र में है वहाँ रोजगार के कम मतलब साधन उपलब्ध हैं मतलब कम नौकरियाँ उपलब्ध हुई हैं लेकिन ये अनौपचारिक यानी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं ठीक है थीके? तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है ठीक है निर्धनता और बेरोजगारी साथ साथ अपर्याप्त तो स्वास्थ्य और जो शिक्षा व्यवस्था है इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत में शिशु एवं मातृ जो शिशु उच्च शिशु एवं मृत्यु मातृ मृत्यु दर स्वास्थ्य क्षेत्र के आउट ऑफ पॉकेट बे यानी भूख और कुपोषण आदि समस्याएं विद्यमान है। हैं इसके इसके अतिरिक्त जो हमारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता भी संतोषजनक है असंतोषजनक है तो हमारी मतलब शिक्षा की गुणवत्ता भी असंतोषजनक है उसमें भी हमको संतोष नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसी वो शिक्षा दी जा रही है ठीक है तो अब यो मतलब ये जो हमारी पॉलिसी आई है शिक्षा नीति 2020 वाली ठीक है तो इससे कुछ मतलब संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों में सुधार हो सके ठीक है और स्वास्थ्य पे हम बहुत बजट के द्वारा हम बहुत जो कम बजट दिया जाता है तो इससे भी हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं ठीक है थीके? जो उच्च शिशु दर और उच्च मातृत्व दर ठीक है तो इनपे भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है हालांकि सुधार हुआ है पिछले कुछ आ, आ, सालों में लेकिन अभी भी इसमें संतोषजनक ये नहीं है ठीक है उसके साथ साथ इस्तर, उच्च स्तर उच, उच्च स्तरीय सामाजिक उच्च उच्च स्तरीकृत समाज तो भारत भारतीय समाज ग्रामीण शहरी विभाजन अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय विषमताओं और धर्म लिंग अथवा जाति के कारण असमानताओं अच्छा आदि के न, अनेक मुद्दों पर विभाजित है ठीक है तो ये भी एक हमारा मुद्दा है ठीक है नेक्स्ट है हमारा आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक चुनौतियों में कृषिगत भूजोतों का विखंडन संस्थागत ऋण तक पहुंच का अभाव वित्तीय सेवा संबंधी निम्न जागरूकता और निम्न विकास दर विशेषकर कृषि में जो एक मात्र सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है आदि के आदि शामिल हैं तो इसमें भी हमारी आर्थिक चुनौतियां वहाँ ऋण नहीं मिल पाता है किसानों को अपने उपकरण ख़रीदने के लिए ठीक है और उनमें जो है खाद पानी या इसके लिए हमको ऋण प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि जो साहूकार होते हैं उनसे ऋण लेते हैं तो उनके जो ऋण चक्र में फंसते चले जाते हैं तो ये भी एक हमारा मुद्दा है इसको भी हमें सुधारने की आवश्यकता है साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं तो भूमि वायु जल की का निम्नीकरण उपयुक्त सभी मुद्दों में वृद्धि करता है तथा भविष्य में समाज के सुभेद्य वर्गों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ी चुनौती है ठीक है अब चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए तो चुनौतियों का समाधान करने के कुछ प्रयास किए गए हैं तो कौन कौन से देखो पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े राज्यों को भौतिक और मानव पूंजी प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण में बेहतर अभिशासन आदि में निवेश करते हुए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए ठीक है साथ साथ अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण मतलब सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु तो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जाने की आवश्यकता है वर्तमान में नब्बे प्रतिशत से अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है तो इनको संगठित क्षेत्र में भी बढ़ाना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में भी हमको इनके रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए ठीक है शासन में सुधार तो संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेह कुशल और सहभागी बनाने के लिए शासन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ठीक है और सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बीमा और बीमा कवरेज में वृद्धि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में और रोजगार सृजन उद्यमिता को प्रोत्साहन करने वाले परिवेश और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ठीक है तो ये इन चीज़ों में हमको वित्त जो है उसको अच्छा निवेश करना चाहिए ठीक है और लघु सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग यानी मध्यम उद्योग यानी एम एस एम को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि एम एस एम एक श्रम गहन क्षेत्र होता है इसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है इसलिए इसे राज्य के समर्थन के माध्यम से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु तो विद्युत कटौती जीएसटी के कारण अनुपालन लागत में वृद्धि विपणन कौशल का अभाव आदि विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए ठीक है और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के उपयोग और राज्य के समर्थन के माध्यम से उत्पादक बनाया जाना चाहिए तो इस प्रकार अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करते हैं तो भारत ने समावेशी विकास के कई संकेतों पर संकेतकों पर महत्वपूर्ण जो है प्रगति की है वर्ष 2006 से 2016 के मध्य सरकारी प्रयासों के माध्यम से लगभग दो मिलियन लोग निर्धनता के दुश्चक्र से बाहर निकल पाए हैं हालांकि बुज़ुर्ग हालांकि बुजुर्गों विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों ट्रांसजेंडरों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी सक्रिय भागीदार बनाए जाने की आवश्यकता है इससे भारत की विकास क्षमता को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी ठीक है तो ये इस प्रकार हमको उसकी चुनौतियाँ और चुनौतियों का समाधान करते हुए आंसर को कंप्लीट करना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा सिंचाई जल का अवैज्ञानिक उपयोग भारत में विभिन्न पारिस्थितिकी सम समस्याओं को बढ़ा रहा है तो हमको ये सिंचाई जल है इसका अवैज्ञानिक तरीका क्या है ठीक है और सिंचाई जल क्या है इसके वैज्ञानिक तरीके के उपयोग में क्या क्या है दिक्कतें हैं और इनको कैसे मतलब पारिस्थितिकी के लिए इसके कैसी समस्याएं बढ़ा रहा है तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत में कुल उपलब्ध जल के लगभग एट्टी फोर भाग प्रतिशत भाग का केवल सिंचाई में उपयोग किया जाता है ठीक है जबकि औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्र में इसका उपयोग बारह से मतलब औद्योगिक क्षेत्र में बारह प्रतिशत और चार प्रतिशत हम घरेलू उपयोग में करते हैं भारत अपनी सिंचाई संभाव्यता के लगभग अस्सी परसेंट का पहले से ही उपयोग कर रहा है ठीक यद है यद्यपि यह सिंचाई के व्यापक विस्तार को दर्शाता है तथापि सिंचाई जल के अवैज्ञानिक उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं अनेक ऐसे अनेक कारक विद्यमान हैं जो सिंचाई के अवैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं जैसे निम्न सिंचाई दक्षता ठीक है और निम्न जल प्रबंधन अप्रभावी भू जल नीति अत्यधिक विद्युत सब्सिडी आदि ठीक है तो इस प्रकार सिंचाई जल स्रोतों यानी जो भूजल पे देखो सिक्सटी टू परसेंट है नहर से ट्वेंटी फोर प्रतिशत और सिंचाई दक्षता में उच्च असमानता के साथ सिंचाई के अविवेकपूर्ण उपयोग से पारिस्थितिकी कृषि संबंधी आर्थिक और मानवीय समस्याओं में वृद्धि होती है तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो भूजल से देखो सिंचाई कितनी सिक्सटी टू परसेंट होती है और नहर द्वारा हम ट्वेंटी फोर प्रतिशत हमारे पास जल उपलब्ध है ठीक है तो सिंचाई जल के अवैज्ञानिक उपयोग के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली पारिस्थितिक की समस्याएँ कौन कौन सी हैं तो लवणता क्षारिता और जल भराव दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति उचित और पर्याप्त जल निकासी संबंधी सुविधाओं के अनु अनुपलब्धता के कारण न केवल अपव्यय बल्कि लवणता और क्षारिता में भी वृद्धि होती है इससे भूमि का निम्नीकरण होता है ऐसी परिस्थितियों का सृजन होता है जो पौधों की जड़ों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास की अगर बात करें तो नदी जल मार्गों में अवरोध उत्पन्न करने वाली तथा तो नदी जल मार्गों में परिवर्तन हेतु तो उत्तरदायी बृहद सिंचाई परियोजनाओं से पर्यावरणीय असंतुलन में वृद्धि होती है साथ ही नदी जल के प्रवाह में कमी के कारण पारिस्थितिकी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आद्र भूमियों तथा तो तटीय वनों का भी ह्रास होता है ठीक है तो इनसे बहुत जी मतलब स्थितियाँ खराब हो जाती हैं निक्च हमारा तटीय भूमि अपर्दन और लवणी जल का प्रदेश तो सिंचाई के लिए अवरोधन और परिणाम स्वरूप नदी जल के प्रवाह में कमी के कारण स्थलीय क्षेत्रों में समुद्र की ओर होने वाले प्रवाह की कमी आती है ठीक है और फलता अगर बात करें तो तटीय भूमि अपर्दन में तथा तो नदी एवं निकटवर्ती भूजल संसाधनों की लवणता में भी वृद्धि हो जाती है ठीक है निचले क्षेत्रों यानी डाउन में जल की गुणवत्ता में कमी तो ऊपरी क्षेत्रों यानी अप में भू उपयोग सिंचाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं डाउन स्ट्रीम पारिस्थितिकी तंत्रों हेतु तो जल आपूर्ति में भी कमी करता है इस प्रकार नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता पर प्रभाव तो चूंकि जल अपवाह मृदा प्रतिष्छेदिका में प्रवेश करता है अतः इससे पोषक तत्वों का विघटन हो जाता है और भूजल जल मृत में इनका पोषक तत्वों के एकी एकत्रकरण को प्रेरित करता है पेय जल में उच्च नाइट्रेट का स्तर मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की प्रचुरता सेवाल पर का कारण बनती है तथा जल जीवन को भी प्रभावित करती है तो ये भी एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है जैव विविधता को भी ये का ह्रास पहुंचाती है ठीक है मतलब उसको नष्ट करती है नेक्स्ट है हमारा भूमि उपयोग में परिवर्तन तो भू उपयोग प्रतिरूपों को परिवर्तित कर सकता है जिससे शेष भूमि पर पशुधन संबंधी दबाव उत्पन्न हो सकते हैं इससे अत्यधिक चारण हो सकता है जो मृदा अपर्दन का कारण बनता है ठीक है तो यह भी एक मतलब आ, कह सकते हो कि पारिस्थितिकी समस्या है और जलवायु परिवर्तन संबंधी सुभिद्धता तो भूजल स्तर में कमी अत्यधिक जल निष्कासन के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी अनिश्चितताओं में भी वृद्धि हो सकती है ठीक है वर्षण प्रतिरूप में अस्थिरता की अगर हम बात करें तो अवैज्ञानिक सिंचाई के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि होती है जो वर्षा को प्रभावित कर वायुमंडलीय परिवर्तनों को उत्पन्न करती है ठीक है तो इस प्रकार ये हमारी समस्याएं हो जाती हैं और नीतिगत बदलाव और प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक पद्धतियां जैसे ड्रिप सिंचाई परिशुद्ध कृषि के माध्यम से उचित जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए साथ ही अनुसंधान वैज्ञानिक शोध और नीति निर्माण से पूर्व सभी हितकारकों से परामर्श किया जाना चाहिए और जल प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं यानी वर्टिकल फार्मिंग और शुष्क भूमि कृषि प्रथाएं समग्र सिंचाई दक्षता से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सकती हैं ठीक है ठीके? ऐसी पहले सतत विकास लक्ष्यों के तहत सम्मिलित स्थाई सिंचाई उद्देश्यों को प्राप्त करने में, में भी सहायता कर सकती हैं तो ये हमारा एक अच्छा सा मतलब एक आशावादी हमारा सल्यूशन हो गया ठीक है तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हमने डिस्क्राइब कर लिया है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर है एटीन तो इसमें कहा गया है कि, कि किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी कार्य योजना में सरकार द्वारा पहचाने गए आय वृद्धि के स्रोतों का वितरण प्रस्तुत करते हुए इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किए तो जो किसानों की आय दुगनी करने के सरकार के लक्ष्य का संक्षेप में हमको डिस्कस करना है उससे शुरुआत करनी है हमको ठीक है और इससे जो मतलब डबलिंग डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम जो है डीएफआई ठीक है इसके लिए अपनी कार्य योजना में जो सरकार द्वारा पहचाने गए आय स्रोतों के वृद्धि के जो स्रोत हैं उनको हमको डिस्कस करना है और सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है उनको बताना है कि क्या क्या सरकार कर रही है किसानों की आय इन, मतलब इनकम को डबल करने के लिए ठीक है तो इस प्रकार हम इसको करते हुए आंसर को चलेंगे ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा दो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और रणनीतियों की अनुशंसा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है इस समिति ने आय में वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है तो वो कौन कौन से स्रोत हैं तो देखो पहला है फसल उत्पाद उत्पादकता में सुधार करना यानी क्रॉप प्रोडक्शन में जो है सुधार करना उसको बढ़ाना है ठीक है और पशुधन उत्पादकता में सुधार करना संसाधन के उपयोग में दक्षता लाना अथवा उत्पादन की लागत में बचत करना यानी जो हम फसल को उत्पादन करते हैं उसमें कमी लाना है जो उत्पादन उत्पादन लागत जो आती है ठीक है उसको कम करना है और फसल गहनता में वृद्धि करना है जैसे एक साल में दो या तीन फसलें उगाना जैसे कहीं कहीं एक ही फसल उगाई जाती है और छोड़ दिया जाता है उसको तो उसमें भी उसमें वृद्धि करना और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण ठीक है और किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार जो किसानों को जो अपनी फसल का कीमत प्राप्त होता है उसमें सुधार करना और कृषि से गैर कृषि व्यवसाय में स्थानांतरण करना कि जो कृषि क्षेत्र में बहुत लोग लगे हैं बेरोजगार की स्थिति में ठीक है कि मतलब एक जैसे ये खेत है हमारा दस बीघे का खेत है और दस बीघे में जरूरत है तीन लोगों की कि वो लोग अपना काम कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या है कि छः लोग लगे हुए हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पर लगे हुए हैं तो इनको ये तीन लोग हैं जो इनको इफ़ेंटली बनाने के लिए इनको गैर कृषि की तरफ मूव करना है ठीक है तो उनको वहाँ पे लाना है ताकि जो है उसका भी प्रोडक्शन बढ़े और उनसे भी अदर जो है सोर्स रिसोर्स के द्वारा भी उनको इनकम प्राप्त हो तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है तो बाज़ार में सुधार तो मॉडल मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को प्रख्यापित करके राज्य सरकारों के माध्यम से अनुबंध कृषि को प्रोत्साहन करना और किसानों को ऐसे बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है जो अन्य प्रदान करती है जो अन्यथा उनके लिए उपलब्ध नहीं होती है और किसानों से कृषि वस्तुओं की प्रत्यक्ष खरीद करने तथा तो एकत्रीकरण के केंद्र के रूप में कार्य करने हैं तो ग्रामीण हाटों का उन्नयन करना ठीक है किसानों को एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई e नेम जो इलेक्ट्रॉनिक uh, uh, जो बाज़ार हैं ठीक है थीके? उनको जोड़ना है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म द्वारा ताकि जो किसान है उसको ऑनलाइन अपनी ट्रेडिंग अपनी फसल की की जाए और उसको बेस्ट प्राइस मिल सके उनकी फसल का ठीक है आगत युक्तिकरण तो इसमें क्या है कि किसानों को मृदा स्वास्थ्यकरण की विवरण uh, विवरण करना ताकि उन उर्वरकों का उपयोग युक्ति संगत किया जा सके सिंचाई जल की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसके अतिरिक्त जल संरक्षण और सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक नवीनतम जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया है ठीक है और अगर बात करें तो जोखिमों को कम करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की निम्न दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने से फसल के बेहतर बीमा कवरेज में वृद्धि होगी ठीक है और ऋण की उपलब्धता की बात करें तो पशुपालन और मत्स्य से संबंधित गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना और साथ ही ऐसी श्रेणियों के लिए श्रेणियों के, के किसानों को ब्याज सहायता सुविधा जो इंटरेस्ट सबवेषन फैसिलिटीज होती उनको प्रोवाइड करना ठीक है और प्रत्यक्ष आय सहायता तो दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले अनुमानित 125 मिलियन लघु और सीमांत कि, सीमांत किसानों को तीन समान किस्तों पर प्रतिवर्ष जो छः हज़ार रुपये प्रदान करने हैं तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि आय सहायता योजना का चलाई जा रही है ठीक है और विविधीकरण की बात करें तो इसमें वृक्षारोपण हर मेड़ पर पेड़ हर मेड़ पर पेड़ ठीक है जो मतलब जैसे ये दो खेत हैं ठीक है ठीके? और ये मतलब दो प्लाट हैं इसके बीच में ये मेड़ होता है तो ये इसी को मेड़ बोलते हैं यह मतलब हदबंदी जो होती है ठीक है तो इस पर जो है ये मतलब पेड़ लगवा दिए जाएंगे जिसे उनकी जो किसानों की एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ऐसे जितने भी खेत हैं जो जितने भी फील्ड होते हैं उनमें सब पेड़ लगवा दिए जाएंगे तो उससे भी मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी और मधुमक्खी पालन डेयरी और मत्स्य से, से संबंधित परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया गया है मत्स्य वनों से, से संबंधित अवसंरचना के विकास होते तो विशेष कोष का सृजन किया गया है सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण में हंड्रेड परसेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्वीकृति प्रदान की गई है ठीक है और आ, साथ ही फॉम जो फार्म होते हैं यानी खेत से ए, ए, लेकर रिटेल आउटलेट यानी खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना को सृजित करने संपदा तो यानी कृषि समुद्री उत्पाद कृषि क्रिस्टल क्लस्टर विकास स्कीम अर्थात स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ठीक है तो जो यह संपदा है संपदा स्कीम चलाई जा रही योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ठीक है जिससे किसानों को बेहतर, बेहतर कीमत प्राप्त होने के साथ उनकी आय को दोगुनी करने में सहायता प्राप्त होगी ठीक है तो इस प्रकार अगर सारे पॉइंट को हम मिलाकर देखें तो सरकार द्वारा बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों की आय को दोगुना करने हेतु तो एक अन्य सहायता प्रदान करते हुए सरकार ने दो हज़ार की अवधि में खरीफ की और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के उत्पादन की लागत की कम से कम डेढ़ गुना वृद्धि को स्वीकृत प्रदान की है यदि इन कदमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाता है तो इनमें किसानों की आय को अधिकतम बनाने की संभावना है ठीक है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा है ये सरकार के कदम उठाए गए हालांकि चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पर ही रहती हैं सरकार द्वारा बहुत सी चीज़ें चलाई जाती हैं तो उनको इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए इसके लिए सरकार को थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता ठीक है नेक्स्ट है अब हमारा यह है कि भारत में वस्त्र और परिधान उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को रेखांकित कीजिए तो जो ये फेस कर रहा है जो कृषि जो ये हमारा ये कपड़ा उद्योग है ठीक है तो ये क्या क्या मतलब चीज़ों का किन चुनौतियों का सामना कर रहा है सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ठीक है थीके? तो उनको बताना है और ये कृषि वस्त्र एवं परिधान उद्योग होता क्या है ठीक है तो इसको भी हमको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए जो है सारी बातें लिखनी है ठीक है तो इसमें अगर भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता मतलब भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है यह विनिर्माण क्षेत्र में बारह दशमलव सिक्स फाइव प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में टू पॉइंट थ्री प्रतिशत का योगदान करता है हालांकि वैश्विक वस्त्र निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल फाइव प्रतिशत है मतलब पाँच प्रतिशत है वस्त्र और वस्त्र एवं परिधान उद्योग के समक्ष चुनौतियां निम्नलिखित है तो बाह्य चुनौती की अगर हम बात करें ठीक है और घरेलू चुनौतियां तो दो चुनौतियां इसको सामना करना पड़ता है तो एक वर्धित स्पर्धा की बात करें तो भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में से अधिक टैरिफ यानी प्रशुल्क के कारण कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन देशों को प्रमुख इन देशों को प्रमुख बाज़ारों से में शून्य यात्री ही शुल्क पहुँच प्राप्त होती है ठीक है मतलब बहुत कम ही मतलब इनको शुल्क प्राप्त होता है नेक्स्ट है हमारा चीन संबंधी कारक तो हाल ही के वर्षों में चीन ने अपने चीन ने भारत से किए जाने वाले धागे के आयात में कमी की है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उसका उत्पादन कम हो गया है तो ये भी एक मतलब उसके लिए चुनौती है ठीक है नेक्स्ट है घरेलू चुनौती की बात करें तो उच्च लागत कपास का, का उत्पादन करने वाले किसानों की सुरक्षा के प्रयास में केंद्र सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की है इस के कारण वस्त्र निर्माता उच्च दर पर कपास के क्रैक हेतु तो विवश होते हैं और प्रौद्योगिकी अंतराल की अगर हम बात करें तो भारत में जहां रुई की ओटाई और कताई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है वहीं बुनाई प्रसंस्करण और कढ़ाई में सीमान तकनीकी अंतराल और हाथ से बुनाई ठीक है हाथ से बुनाई की जाती है तकनीकी वस्त्र और परिधान खंडों में अत्यधिक अंतराल विद्यमान है तो ये टाइम बहुत लगता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा आती है ठीक है इसे जो हाथ से बुनाई और कताई की जाती है नेक्स्ट लघु और मध्यम लघु एवं मध्यम उद्योग तो इस्माल एन मीडियम जो इंटरप्राइजेज का वर्चस्व हो जाता है इसमें है तो इसमें भारतीय वस्त्र उद्योग के जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उसमें अस्सी प्रतिशत भाग का वि निर्म। मतलब निर्माण करते हैं ये खंडित उत्पादन प्रौद्योगिकी वित्त तक पहुंच के अभाव जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं ये अन्य देशों में बड़ी मिलों के उत्पादन स्तर और पैमाने का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है तो सबसे ज़्यादा यही मतलब लघु और मध्यम उद्यम काम करते हैं इस क्षेत्र में और उनके पास वित्त नहीं होता टेक्नोलॉजी नहीं होती इसका अभाव रहता है उनके पास ठीक है विद्युत सब्सिडी की बात करें तो आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में विद्युत सब्सिडी प्रदान करने में विलंबता के कारण मिलों को बंद करने में करना करने हैं तो विवश होना पड़ता है तो विद्युत कम मतलब इतना ज़्यादा उनका टैक्सेज होता है इतना ज़्यादा चार्जेज होता है विद्युत का कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेंटली अपना काम नहीं कर पाते हैं ठीक है घरेलू मांग में गिरावट की बात करें तो घरेलू मांग की स्थिर और कम होने से भी वस्त्र उद्योग को हानि हुई है ठीक है तो और कोविड नाइन्टीन को तो जान ही रहे हो कि मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इन सेक्टरों को ठीक है नेक्स्ट है सरकार द्वारा किए गए उपाय कौन कौन से हैं तो कौशल विकास कार्यक्रम तो वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना यानी जो समर्थ योजना चलाई गई है यानी स्मार्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन जो टेक्सेस टेक्सटाइल सेक्टर ठीक है तो एस सी बी टी सी जो ये चलाई गई है द्वारा आगामी वर्षों में दस लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का अनुमान किया गया है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का ठीक है और वित्तीय सहायता में वृद्धि तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम के तहत प्राप्त छूट दरों को परिधानों के साथ साथ मेड अप हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी वितरित किया गया है और वस्त्र क्षेत्र में प्री पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए ब्याज समकरण दर यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत कर दिया गया है और पारंपरिक वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे कि हथकरघा हथशिल्प समूह के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम व्यापक का जो हथकरघा क्लस्टर है ठीक है विकास योजना आदि को क्रियान्वित किया है और अन्य वस्त्रों का संवर्धन अगर रेशम जूट ऊन के संवर्धन है तो क्रमशः शिल्प समग्र जूट एकीकृत विकास योजना और एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जैसे पहले प्रारंभ की गई हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा प्रौद्योगिकी उन्नयन की बात करें तो संशोधन प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी के उन्नयन मतलब प्रौद्योगिकी को अच्छा करने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी को अच्छा किया जा रहा है ठीक है इसमें पात्र मशीनों को एक बेहतर एक बार के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है जो मतलब अच्छी मशीनरी खरीद खरीद रहे हैं जो अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीद रहे हैं उपकरण खरीद रहे हैं तो उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की जा रही है ठीक है और अन्य पहले अगर बात करें तो हम पावर लूम बुनकरों के लिए पावरटेक इंडिया और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर वस्त्र निर्माण के क्लस्टर विकास के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना वस्त्र पार्क योजना अन्य महत्वपूर्ण पहले हैं ठीक है थीके? तो इस प्रकार अगर हम बात करें ओवरऑल में तो आर्थिक महत्व के अतिरिक्त वस्त्र क्षेत्र का विशिष्ट हथकरघा वस्तुकला रूपों के साथ विरासत मूल्य है ठीक है भी है इस प्रकार इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि हेतु और अधिक सुधार किए जाने चाहिए ठीक है तो ये हमारे लिए अच्छा है इम्पोर्टेंट है ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है क्योंकि कपड़ा क्षेत्र जो है जो कपड़ा उद्योग है ये हम बहुत ही फेस कर रहा है बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहा है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए भी ठीक है नेक्स्ट है हमारा वित्तीय समावेशन का महत्व तो स्पष्ट कीजिए करते हुए विश्लेषण कीजिए कि जैसी जैम यात्री इसे किस प्रकार सुगम बना रही है तो वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिए कि ये होता क्या है एक्चुअली में और वित्तीय समावेशन का महत्व तो क्या है ठीक है और इसे कैसे सुगम बना रही है जैम त्रीय वित्तीय समावेशन कैसे सुगम बना रही है इसको हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आर है आर के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्न और आय समूह तथा तो कमज़ोर निम्न आय समूहों तथा तो कमजोर समूहों जैसे सुभेद्य वर्गों की आवश्यकता वाले उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच को मुख्य धारा के संस्थागत अभिकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की एक प्रक्रिया है ठीक है तो भारत में वित्तीय समावेशन का महत्व तो है कि इसमें क्या क्या महत्व तो हो सकता है तो औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच तो समाज के कमजोर वर्गों की उचित लागत पर ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा और आर्थिक विकास और समृद्धि के बिना सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है वित्तीय धोखाधड़ी में कमी तो वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण लोग वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाते हैं ठीक है असुरक्षित लोगों को सुरक्षित बनाना तो वित्तीय जागरूकता और समावेशन का अभाव लोगों को निवेश करने और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने से रोकता है वित्तीय समावेशन से बीमा कवरेज बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है आर्थिक विकास की अगर हम बात करें इससे वित्तीय समावेशन से तो इसमें देखो बचतों में वृद्ध बचतों में वृद्धि से बैंकों की निम्न दर पर ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां रोजगार सृजन आय में वृद्धि का सुचक्र प्रारंभ होगा ठीक है और परिसंपत्ति विविधीकरण तो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने से लोगों की पूंजी बाज़ारों में भागीदारी बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप घरेलू परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का विविधीकरण हो जाता है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वित्तीय समावेशन कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ठीक है और वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने की त्रिय जैम त्रीय ये कौन सी की क्या भूमिका है तो जैम त्रीय मतलब जन धन आधार मोबाइल इसे जैम मतलब जन धन आधार मोबाइल त्रिय जन खाताओं त्रीय जन धन खातों यानी मोबाइल नंबरों और आधार कार्ड को लिंक करके लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी हस्तांतरित करने और बिचलुए तथा लीकेज को समाप्त करने के लिए की गई एक पहल है जैम त्रय की परिकल्पना इन मुद्दों का समाधान करने और वित्तीय समावेश समावेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है वित्त मंत्रालय के अनुसार दो तक बावन प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास बैंक खाते नहीं थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से सरकार ने एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना पर बल दिया है ठीक है कि अगर कवरेज की बात करें तो कवरेज कुल बैलेंस एक लाख करोड़ से अधिक के साथ पैंतीस करोड़ अतिरिक्त खातों का सृजन हुआ है इनमें से उनतीस करोड़ खाते क्रियाशील हैं ठीक है जन धन खातों में औसत बैलेंस में निरंतर वृद्धि हुई है जिससे यह बैंक के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय बन गया है जमा और निकासी ग्रामीण क्षेत्रों को का लेन देन यानी निकासी और जमा 2014 में 24 परसेंट से बढ़कर 2017 में उनतालीस परसेंट हो प्रतिशत हो गया ठीक है यह औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है आधार की अगर हम बात करें ठीक है तो इसमें बैंक खातों के उपयोग को बढ़ाने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में दो प्रकार के कार्य किए गए हैं मतलब आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से माइक्रो माध्यम से माइक्रो एटीएम का उपयोग किया जाता है ठीक है और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भुगतान किया जाता है और निम्न साक्षरता दर स्मार्ट कार्ड पिन नंबरों को संभालने में अनुभव की कमी के प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पहले सीमित कर दिया गया था इसका समाधान एक सुदृढ़ बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली द्वारा किया जा रहा है ठीक है अगर मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल फोन के माध्यम से खातों में जन खातों में धन का हस्तांतरण हस्तांतरण किया जाता है जिससे बिचौलियों की संख्या में कमी आती है और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लेन देन में वर्ष 2017 से 18 में लगभग 3.5 पॉइंट प्रतिशत वृद्धि हुई है हालांकि जैम त्रेय के परिणामस्वरूप नए खाते खोले गए हैं डी और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है ठीक है मिला है तथापि तो अभी भी इसे वित्तीय समावेशन के मानकों पर अभी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं उदाहरण स्वरूप यह अनिवार्य रूप से क्रेडिट वृद्धि के वृद्धि में परिणत नहीं हुई है इसके अतिरिक्त लाभ शिक्षक करोड़ मतलब इसके अतिरिक्त अगर लगभग बात करें तो छः करोड़ निष्क्रिय खातों को चालू करने के लिए प्रयास भी आवश्यक प्रयासों की भी आवश्यकता है ठीक है जो मतलब उनतीस करोड़ चल रहे हैं छः करोड़ अभी बचे हुए हैं साथ ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आधार के उपयोग की अनिवार्यता के कारण जो वास्तविक लाभार्थियों को लाभ वंचित नहीं किया जाना चाहिए ठीक है तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो इनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ आपको आ, टेस्ट नंबर नहीं नेक्स्ट वीडियो भी करंट का आएगा शाम को नेक्स्ट वीडियो हमारा करंट का मिलेगा आपको और करंट uh, को डिस्कस कर लेते और आप लोगों ने जो कहा था कि सर जून से पूरा एक साल का कवर कर दीजिए करंट तो वो भी मैं करूँगा ठीक है बहुत जल्दी उसको जो है कर दूँगा आप लोगों को ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय जै भारत